मुझे कई हार बाकी है, अभी तो जिंदगी का सार बाकी है। कई हार जीत बाकी है, कई हार बाकी है, अभी तो जिंदगी का सार बाकी है। यहाँ से चले हैं नई मंजिल के लिए, यहाँ से चले हैं नई मंजिल के लिए। यह तो एक पन्ना था, अभी तो पूरी किताब बाकी है, अभी तो पूरी किताब बाकी है। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल BL एजुकेशन एंड मोटिवेशन के अंदर। मैं लेके आया हूँ आज आप लोगों के समक्ष एक मोटिवेशनल वीडियो, तो आप लास्ट तक जरूर सुने, लास्ट तक मेरे साथ जरूर बने रहे। मैं आज आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछने वाला हूँ, एक क्वेश्चन पूछने के लिए आया हूँ, जिसके ऊपर आपकी पूरी जो प्रिपरेशन है, जो आपकी पूरी जिंदगी, जो आपकी पूरी आगे के फ्यूचर, आपका पूरा सपना टिका हुआ है। दोस्तों मुझे सबसे पहले आप ये बताएं कि आप जो पढ़ रहे हैं वो किसी के कहने से पढ़ रहे हैं या अपने खुद से पढ़ रहे हैं। तो दोस्तों आप मुझे अगर ये बताते हैं कि आप अपने खुद से पढ़ रहे हैं, तो आप अपनी दिनचर्या जो बनाई है उस दिनचर्या के आधार पर आप शाम को अपने आप से पूछिए, क्या आप अपनी दिनचर्या के अंदर खरे उतर रहे हैं? अगर नहीं खरे उतर रहे हैं तो आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं। आप झूठ बोलना बंद कीजिए, आप दिखावा करना बंद कीजिए कि मैंने इतना पढ़ा है, मैंने इतना पढ़ा है, मैं इतना सा जाके पीछे रह गया हूं, मैं इतना सा जाके पीछे रह गया हूं। आप किसी और को नहीं, अपने आप को धोखा दे रहे हैं। आप अपने आप का मूल्यांकन करना जिस दिन सीख जाएंगे, उस दिन आप अपनी सफलता की बुलंदी के ऊपर होंगे। ये मेरा विश्वास है, ये मेरा 100% वादा है आप लोगों से। तो दोस्तों आप बहाने, आप दूसरों को मूर्ख बनाना बंद कीजिए, आप अपने आप को मूर्ख बना रहे हैं अगर आप किसी भी प्रकार का बहाना बना रहे हैं या किसी भी प्रकार से अगर आप झूठ बोल रहे हैं। दोस्तों जो आपने टारगेट बनाए हैं, बड़े बड़े टारगेट बनाए हैं, तो आप लोग एक बात जरूर ये जान लो, बड़े टारगेट पाने के लिए छोटे टारगेटों को पास करना बहुत जरूरी होता है। आप अपना आकलन तो कीजिए, आप अपना मूल्यांकन तो कीजिए, क्या आप बड़ा टारगेट पाने के लिए क्या अपने छोटे टारगेटों के ऊपर आप खरे उतरे? आप उन सभी हस्तियों को, आप उन सभी सफल व्यक्तियों की जीवनी पढ़िए, आप उन सभी व्यक्तियों के बारे में जानने की कोशिश कीजिए जो सफल हुए हैं। उन्होंने बड़ा टारगेट पाने के लिए जो अपने डेली के छोटे छोटे टारगेटों को उन्होंने पूरा किया है, छोटे छोटे टारगेटों को उन्होंने पूरा करके शाम को अपने आप से पूछकर संतुष्ट हुए हैं कि मैंने अपने आप को धोखा नहीं दिया है, मैंने जो टारगेट बनाया था उसको मैंने पूरा करने की कोशिश की और वो मैंने पूरा किया है। और अगर यही छोटे छोटे टारगेट, यही छोटी छोटी सफलता की सीढ़ियां आप लोगों को आपकी जो बड़ी जीत है उस तक पहुंचाएगी, और जिस दिन आप उस जीत को हासिल कर लेंगे, तब आप अपने आप को पूछना कि आप रियल में ही अपने आप और अपने खुद के लिए पढ़ रहे थे। क्योंकि दूसरों के दिखावा करने के लिए, दूसरों को मूर्ख बनाने के लिए पढ़ने वाला व्यक्ति कभी भी सफल नहीं होता, वो अपने आप को धोखा दे रहा होता है। ये चीज आप लोग अभी समझ जाएंगे तो आगे आने वाला टाइम आप लोगों के लिए बहुत अच्छा होगा, अगर नहीं समझेंगे तो आगे आने वाला टाइम आप लोगों को बिल्कुल ही आपकी इस जो जिंदगी है, इस जिंदगी में सबसे निचले पायदान पे खड़ा करके रहेगा। तो आज आप इसी समय से लग जाइए अपने टारगेट के अंदर। आप बहुत सारे टारगेट मत बनाइए, आप अपना दिन का एक टारगेट रखिए, और आप एक अपनी जबान के ऊपर पहले पक्का रहिए। आप अगर अपने आप को अगर आप मोटिवेट रख के, आप अपनी जबान अगर अपनी जगह पे रहेंगे, तभी तो आप बड़े सपने की जो जबान दी है, बड़ा सपना आप पाने की जो जबान आप लोगों ने अपने माता पिता अपने परिवार वालों को दी है, तभी तो आप पूरा कर पाएंगे। जब आप अपनी जबान पे नहीं रहे, अगर अपने टारगेट के ऊपर अगर आप खरे नहीं उतर पा रहे हैं, तो आप दूसरों की टारगेट जो बना रखे हैं या दूसरों को जो भरोसा दिला रखे हैं उस पे क्या खरा उतरेंगे? तो दोस्तों बहाना बनाना बंद कीजिए, आप अपनी जिंदगी को देखिए, आज से नहीं आगे 5 साल आगे जाके पीछे की जिंदगी को देखिए कि मैं अगर यहां पे पहुंचा हूं तो मैंने पीछे क्या किया, अगर नहीं किया होता तो मैं यहां नहीं पहुंचता। अभी से अगर आप सपना देखेंगे तो सपने हो सकता है बड़े हैं, और सफलता पाने के लिए छोटी छोटी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। अगर आपके जीवन के अंदर एक कठिनाई आ रही है तो आप उसको ये मत सोचो कि मैं इस मुकाबले के अंदर पास नहीं हो पा रहा या इस मुकाबले के अंदर पास नहीं होगा। दोस्तों मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूं कि आपके अगर एक छोटी सी भी मुसीबत, एक छोटी सी भी समस्या अगर आप लोगों के समक्ष आई और उसको अगर आपने पास किया, हासिल किया, तो आप समझ लीजिए आप अपनी जो बड़ा टारगेट आपने बनाया है उससे आप बहुत नजदीकी पे हैं और आप उसको जल्दी ही हासिल करने वाले हैं।
और उस दिन आप अपने आप को नहीं, आप अपने परिवार को नहीं, आप अपने माता पिता नहीं, आप अपने दोस्तों को नहीं, किसी को भी कोसना बंद कर देंगे और आप अपने एक सुनहरे भविष्य की कल्पना करेंगे और वो कल्पना किया हुआ सुनहरा भविष्य आप लोगों के समक्ष होगा, इसकी मैं गारंटी दे सकता हूं आप लोगों के समक्ष। तो दोस्तों आज आप इसी समय से लग जाइए, इसी सन से शुरू कर दीजिए, अपना टारगेट बनाकर अपने टारगेट के मुताबिक आप उस मंजिल तक पहुंचने के लिए आपको जितने जतन करने पड़े, आपको जितनी मुसीबतों का सामना करना पड़े, आप जितनी कठिनाइयों से गुजरे, आप सोना अगर कुछ बनाना होता है तो उसको बार बार पिटना पड़ता है, कुमार मटकी बनाता है तो उसको बार बार पिटना पड़ता है, तब जाके वो एक सांचे के अंदर डलता है, तब सोना निकलता है। तो दोस्तों आपकी ये छोटी छोटी कठिनाइयां, छोटी छोटी समस्याएं, छोटे छोटे टारगेट आपका एक बहुत बड़ा अचीवमेंट लेकर आपकी जिंदगी के अंदर आने वाले हैं, और इस जिंदगी के अंदर जो पल आएगा उस दिन आप अगर अपने आप को देखेंगे तो आप जिंदगी के अंदर या इस दुनिया के अंदर सबसे खुश नसीब व्यक्ति अपने आप को समझेंगे। तो दोस्तों मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। आज आप लोग इस मेरी बात को गांठ बांध लीजिए और आप अपने दिल के अंदर लगने चाहिए ये मेरे बोल कि आज आपको मैंने बोला है, लेकिन भविष्य के अंदर आपको ऐसी कोई बात बोल नहीं पाए, क्योंकि आप अपनी जिंदगी के अंदर, आप अपने जो टारगेट के अंदर सफल होकर रहेंगे। जो अपने कदमों की काबिलियत पर विश्वास रखते हैं वही सफल, वही अक्सर मंजिल पर पहुंचते हैं। यानी कि जो व्यक्ति अपने ऊपर भरोसा रखता है, अपने टारगेट पे भरोसा रखता है, अपनी मेहनत पे भरोसा रखता है, वो व्यक्ति ही अपनी मंजिल तक पहुंचता है। इस चीज को आप अपने दिमाग दिल के अंदर बिठा लीजिए दोस्तों। चलिए आज इतना ही हमारी इस क्लास के अंदर, और आप लोगों से एक मेरी रिक्वेस्ट है, आप अपने बीएल एजुकेशन एंड मोटिवेशन चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर, मैंने आज तक नहीं बोला लेकिन आज मैं आप लोगों को बोलना चाहूंगा कि आप ज्यादा से ज्यादा अपने चैनल को, अपने टेलीग्राम चैनल को बीएल एजुकेशन मोटिवेशन, जिसके नाम से अपना चैनल यूट्यूब पर और अपना टेलीग्राम पर दोनों पर है, जिसको आप ज्वाइन करें, जिसको आप सब्सक्राइब करें, और ज्यादा से ज्यादा आप अपने दोस्तों मित्रों को शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।